तो आज की हमारी क्लास है मैथ्स की। तो ये है शेप्स एंड स्पेस। तो शेप्स आपको पता है कौन कौन से शेप्स होते हैं? पता है ना, जैसे सर्कल, स्क्वायर, क्यूब, रेक्टेंगल, ये सब शेप्स है। तो आज हम पहले, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 8, पहले हम ये करेंगे। स्पेस का है ये, टिक द करेक्ट वर्ड इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। ये हमारी बुक में है और बुक में ही फिल करेंगे। तो द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द बिल्डिंग। अब ये देखिए, यहाँ पर ये बच्चा है, तो ये क्या है? द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग के कहाँ पर है? ऊपर, ऊपर यानी टॉप, ऊपर यानी टॉप। टॉप माने होता है ऊपर, और बॉटम नीचे, यानी कोई चीज नीचे। बी ओ डबल टी ओ एम, बॉटम। टॉप माने ऊपर, बॉटम ना माने नीचे। ओके, तो अब ये देखिए ये क्या लिखा है। ये है द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के कहां पर है? ये टॉप पर। कहां पर है? टॉप, टॉप पर है। तो अब इसकी में हम किस पर टिक लगाएंगे? टी ओ पी, टॉप, टॉप पर लगाएंगे। तो द कैट इज एट द, अब ये कैट कहां पर है? वेयर इज द कैट? कैट भी टॉप पर है, टेबल के ऊपर है। ऊपर यानी टॉप और नीचे यानी बॉटम। तो कैट कहां पर है? टॉप पर है। और बच्चा बिल्डिंग की भी छत पर है, यानी टॉप पर है। तो कैट इज एट द टॉप ऑफ टेबल, टेबल के ऊपर है। द डॉग इज एट द, अब यहां पर देखिए डॉग कहां पर है बताइए? कहां पर है? नीचे, बॉटम। द डॉग इज एट द बॉटम, जमीन पर, उसके नीचे है। अगर ऊपर है तो टॉप और नीचे है तो बॉटम। द पॉट इज एट द, अब ये शेड है, तो ये कहां पर है? पॉट शेड के नीचे यानी बॉटम। कहां पर है? बॉटम। द मंकी इज एट द, मंकी कहां पर है? टॉप पर, उसके टॉप पर है। तो द मंकी इज एट द टॉप ऑफ द ट्री, कहां पर है? टॉप पर। चलिए, इतना समझ आया आपको, टॉप और बॉटम, ये दो चीज थी। अब इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड माने अंदर, आउटसाइड माने बाहर। जैसे हम कमरे के अंदर है तो इनसाइड, और कमरे के बाहर अगर आउटसाइड। घर के अंदर इनसाइड द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस। जब हम घर के अंदर आ जाते हैं तो वो होता है इनसाइड, और बाहर जाने के लिए आउटसाइड। तो अब इसमें यहां पर देखेंगे, द गर्ल, द गर्ल, द कर्टेन इज द कर्टेन। अब पर्दे के पीछे है, पर्दे के अंदर, कर्टेन लगा हुआ है जो पर्दा, कर्टेन कहते हैं पर्दे को। तो पर्दे के पीछे यानी इनसाइड। तो द गर्ल इज इनसाइड, किस पे टिक करेंगे? इनसाइड द कर्टेन। ओके, तो कहां पर है? कहां पर है? इनसाइड, अंदर। द बर्ड इज, अब ये बर्ड है, बर्ड कहां पर है? पिंजरे से बाहर। कहां पर है? पिंजरे से बाहर। तो इसको क्या बोलेंगे? द बर्ड इज आउटसाइड द केज, केज यानी पिंजरा। तो द बर्ड इज आउटसाइड। नेक्स्ट, द कैट इज द टेंट। अब ये टेंट है, और टेंट के बाहर है कैट। कहां पर है? बाहर, तो आउटसाइड। कहां पर है? आउटसाइड। ओके, अब ये हुआ,
अभी हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही चल रहा है, ये आप कर चुके हैं तो मैं रिवीजन करवा रही हूँ एक बार। ये है ऑन और अंडर। ऑन माने नीचे और अंडर, सॉरी ऑन माने ऊपर, अंडर माने नीचे। जैसे अभी हमने टॉप और बॉटम किया था, टॉप और बॉटम होता है, टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी तली, नीचे ऊपर नीचे। ऐसे ही ऑन और अंडर होता है, ऑन माने भी ऊपर होता है जैसे टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर, और अंडर माने नीचे। तो अब ये देखेंगे, द मंकी इज ऑन द ट्री। मंकी तो ट्री के ऊपर है। ये है पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, चैप्टर नंबर 1 का है ये, ऑन और अंडर। द मैन इज अंडर द ट्री। मैन कहाँ है, देखो मैन कहाँ पर है, ट्री के नीचे, अंडर किसी चीज के नीचे। और मंकी कहाँ पर है, ऊपर, ऑन। अ मग इज, मग कहाँ पर रखा है टेबल के, ऑन, ऑन द टेबल। और अ टॉय, टॉय कहाँ पर है, अंडर द टेबल। टॉय कहाँ पर है, अंडर द टेबल। द बॉय इज ऑन द चेयर। बॉय कहाँ पर है, चेयर पर। द बॉल इज अंडर द चेयर। अब देखो ये बॉय बैठा है तो ये कहाँ पर है, ये चेयर के ऊपर यानी ऑन है। और बॉल कहाँ है, अंडर, उसके अंडर। द कैट इज ऑन द कार एंड द डॉग इज अंडर द कार। ठीक है, समझ आया, गुड। अभी ये नियरेस्ट एंड फर्दर। नियरेस्ट माने पास में, फर्दर माने दूर। तो अभी एक मैन है तो ये कह रहा है टिक द ऑब्जेक्ट नियर द मैन एंड क्रॉस द, जो ऑब्जेक्ट जो पास में, जो मैन है ये जो इसके पास में है उसको टिक करेंगे और जो दूर है उसको क्रॉस करेंगे। तो मैन, मैन के पास क्या है, इरेजर, इस पे हम टिक करेंगे। पेंसिल क्या है, दूर है तो इस पे हम क्रॉस कर देंगे। ऐसे ही जो चीज मैन के पास है उस पे टिक करेंगे। जैसे मैन के पास बॉय है, मैन के पास बकेट है, और मैन के नियरेस्ट क्या है, एप्पल। समझ आया, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पेज नंबर 16, नेमिंग शेप्स। आपको पता है शेप्स का, शेप्स का पता है आपको कौन कौन से शेप होते हैं? तो अब हम करेंगे शेप्स, कौन कौन से शेप्स होते हैं। जैसे सर्कल, जो गोल सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है, दोनों सेम ही है कि दोनों में 1, 2, 3, 4 लाइन्स है, इसमें भी है। लेकिन जो स्क्वायर होता है उसकी जो 1, 2, 3, 4 लाइन्स होती है वो इक्वल होती है, एक जैसी होती है चारों लाइन्स। मतलब अगर ये 1, 2 इंच की है तो ये भी 2 इंच की, ये भी 2 इंच की, और ये भी, तो उसको कहते हैं स्क्वायर, एक स्क्वायर डब्बा। और ये रेक्टेंगल जो होता है इसकी 2 लाइन सेम होती है, जैसे ये और ये लाइन सेम होगी, और ये लाइन सेम होगी, इनकी लेंथ दोनों की सेम होगी, तो ये होगा रेक्टेंगल, जो थोड़ा लंबा या कैसे भी हो सकता है। तो इसकी 2 लाइन जिसकी एक जैसी होती हैं, और जो स्क्वायर है उसकी 4 की 4 लाइंस जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो ये हो गया स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोन, ये क्या है, सॉरी ट्राइंगल, ये क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 लाइंस होती हैं और 3, ये 1, 2, 3, तो ऐसे त्रिकोण बन गया, जिसमें त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोने, 1, 2, 3, 3 कोण। तो ये हुआ ट्राइंगल, इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3, तो ये हो गया ट्राइंगल। समझ आया। और इसके बाद होता है कोन। कोन एक साइड से गोल होता है ऐसे, जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप, बर्थडे पर कैप लगाते हैं आप,
ऊपर से ऐसे होती है और नीचे से गोल होती है, तो वो हुआ कोन। ये क्या है? कोन। और एक होता है सिलेंडर, सिलेंडर नीचे ऊपर से ऐसे गोल होता है, तो ये क्या है? सिलेंडर, सिलेंडर। ओके। और एक होता है क्यूब, क्यूब जैसे आइस क्यूब होता है क्यूब, ये तो एकदम स्क्वायर है और ये क्यूब। ओके। ये क्या है? शेप्स, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोन, सिलेंडर, और ये क्या है बताइए? क्यूब। क्या है ये? क्यूब। ये क्या है? चलिए, आज हमने क्या किया? आज हमने शेप्स किए, अंडर, इन, नियरेस्ट और फारेस्ट, ऑन और अंडर, टॉप और बॉटम। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। इतना समझ आया होगा? अच्छे से रीडिंग करेंगे। ओके, बाय बेटा।